स्वागत है आप सभी का इस ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने डेस्कटॉप में जो है सो इस तरीके से जूम कर सकते हैं। अगर आप जो है सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय जूम करना बहुत ही यूज़फुल होता है, लेकिन Ubuntu में ये जनरली संभव नहीं है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास OBS भी है और मेरे पास सबसे, लेकिन हम मुझे OBS से सबसे बढ़िया लगता है वोको स्क्रीन। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है वोको स्क्रीन जिसको, जो कि बहुत कम MB का फाइल बनाता है, बहुत ही कम MB का, और OBS और क्वालिटी भी एकदम प्योर ओरिजिनल होता है इसका, और OBS से बढ़िया क्वालिटी देता है। जबकि OBS का एकदम फुल हाई क्वालिटी पे सेट कर दीजिएगा और इसका नॉर्मल क्वालिटी रहेगा तो दोनों का बराबर, बस उसका जो है सो पर मिनट में जो है सो OBS का 500 कुछ MB पहुंच जाएगा, तो इसका पर मिनट में जो है सो 50 MB तक ही पहुंचेगा। तो यही डिफरेंस है, पर 50 MB भी नहीं पहुँचता है, 2 से 3 MB या 5 MB पहुँच जाता है मैक्सिमम। तो इसलिए मुझे वोको स्क्रीन जो है सो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब आप बात करते हैं जूम करने का, कि मतलब जैसे जूम कैसे किया जाए जब आप मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तो इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है कॉम्पीज, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसका लिंक है, मतलब इंस्टॉल करने का कमांड प्रॉम्प्ट से। तो पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट कहा जाता है, विंडोज़ का अर्थ हो गया, टर्मिनल ओपन कर लेंगे और टर्मिनल में जो है सो करना ये है कि आपको ये जो कमांड है इसको कॉपी कर लेना है, और उसके बाद टर्मिनल में पेस्ट कर देना है। हो गया, उसके बाद एंटर मारना है, उसके बाद यूज़र ने पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद पासवर्ड डालना है और उसके बाद देखना है। तो चूंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन इसलिए बोला ये ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्ज़न, अगर आपके पास नहीं होगा तो आपका जो है सो इंस्टॉल करना पड़ेगा। कमांड एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे हम आपको और जूम कर देते हैं। कमांड है, थोड़ा नहीं दिख रहा है, हाँ, sudo apt-get install compiz config setting manager compiz plugins, और इसको इंटर मारिएगा तभी इंस्टॉल होगा। और अगर आपको सीधे जो है सो अगर आपको मतलब कि अगर कमांड प्रॉम्प्ट से इंस्टॉल नहीं करना है तो आप जो है सो इंस्टॉल कर सकते हैं इसको अपने सॉफ्टवेयर सेंटर के थ्रू। तो सॉफ्टवेयर सेंटर यूज़ जो इसका Ubuntu का मतलब डिफ़ॉल्ट है उसको ओपन कर लें, और उसमें टाइप करें, टाइप करना है आपको कॉम्पीज। देखिए आ गया कॉम्पीज कॉन्फ़िग सेटिंग मैनेजर, इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। मेरा चूंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हम यहाँ पे इसको लॉन्च कर लेते हैं। लॉन्च होने दीजिए, देखिए हो गया लॉन्च। अब इस ये जब लॉन्च हो चुका है तो उसके बाद आपको इसमें जो है सो क्लिक करना है कॉम्पीज में इन्हेंस्ड जूम डेस्कटॉप, इस पर कहीं भी अगर होगा उसको ढूंढ के, देख रहे हैं आप यहाँ पे है, इसको ओपन करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं जूम बटन है, जूम की है, जूम इन आउट आउट की है, जूम आउट बटन है, तो आपको देख सकते हैं ये डिजेबल्ड क्यों शो कर रहा है, भाई मेरा तो इनेबल्ड है। बेसिकली यहाँ पे पता नहीं क्यों डिजेबल्ड शो कर रहा है, इसको जूम इन की पे क्लिक करना है, ओके करना है, और उसके बाद यहाँ पे की कॉम्बिनेशन डालना है, जैसे कि मेरा है CTRL+Q है जूम के लिए, ग्रैब की कॉम्बिनेशन पे क्लिक करना है CTRL+Q और उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद CTRL+Q से जूम होगा और CTRL
उसके बाद जूम आउट की सेट करना है, तो जूम आउट की को सेट करने के लिए यहाँ पे इनेबल करेंगे, उसके बाद की ग्रैब की करने पर उसके बाद कोई भी आप जो आपको की अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम सेलेक्ट करेंगे CTRL प्लस या उसके बाद ओके कर देना। तो मेरा जो है CTRL प्लस को से जूम इन हो रहा है, CTRL प्लस ए से जूम आउट हो रहा है और अभी भी हम वही यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है सो ये काम करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं समाप्त करते हैं ये ट्यूटोरियल, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इसको काट दिया जाए, इसको काट दिया जाए, उसके बाद